सब कैसे हैं? घर में ही है? ओके, स्टार्ट करें हम। कल की वीडियो में आपने देखा था कि मैंने आपको जो लास्ट टाइम आपको मैंने कविताएं कराई थी वो 4 कविताएं थी। कितनी थी? 4, है ना। आपको वो रिवीजन करने के लिए मैंने बोला था आपकी जो बुक है संगीत राग में, ओके, उनका हम एक बार फिर से रिवीजन करते हैं आज, ओके। चलिए मैं भी बोलूँगी और आप भी मेरे साथ बोलेंगे। हे भगवान तुझे प्रणाम, तेरे बच्चे हम हो सच्चे, पढ़ लिख कर हम योग्य बनेंगे, काम करेंगे नहीं डरेंगे, नित्य बढ़ेंगे बड़े चलेंगे, तो वरदान हे भगवान तुझे प्रणाम। मैम ने ये वाली कराई थी, ऐसे कराई थी, एक्शन भी करवाए थे। दूसरी कौन सी थी? नन्ही छोटी सी एक मुन्नी है, लाल लाल उसकी चुन्नी है, तिल्ले वाला उसका सूट, काले काले उसके बूट, नर्सरी में पढ़ती है, सबको डांटा करती है। वो सबको डांटा इसलिए कर रही है, अब मैं LKG में चली गई हूँ, आप भी LKG में आ गए हो नर्सरी में से, है ना, ओके। थर्ड राइम, फूल फूल तुम कितने अच्छे, तुम्हें प्यार करते हैं बच्चे, रंग तुम्हें दे जाता कौन, इत्र छिड़क महकाता कौन, बतलाओ तो उसका नाम, करे सदा जो अच्छे काम। जब मैं छोटा बच्चा था, टॉफी खूब चबाता था, पापा ने मुझको समझाया, बड़े प्रेम से ये बताया, टॉफी खाना अधिक खराब, हो जाएंगे दांत खराब, ओके। आपको ये 4 राइम्स का लास्ट जो वीडियोस हैं उनमें आपको बार बार रिवीजन विद एक्शन मैंने करवाया था। आज मैंने सिर्फ ये रिवाइज कराई है कि एक बार हम इनको फिर से रिवाइज करें, आपको भी रिवीजन हो जाएगा अच्छे से, है ना। आपकी बुक है संगीत रागनी, अभी आपको ओनली 4 राइम्स ही लर्न करनी है, उनका डेली रिवीजन करना है विद एक्शन। उसके बाद कल मैंने आपको एक वर्ड दिया था, अभी तक मैंने आपको क से लेके या तक के व्यंजन कराए हैं, चित्रों की पहचान कराई है, गोला लगाना है, जोड़ियाँ बनानी है ना, ये सब आपको एक्सरसाइज मैंने करवाई थी। और कल मैंने आपसे बोला था आपको अपनी फेयर नोटबुक में क ख ग घ ड च छ ज झ य 3 बार लिखना है। मैंने आपको कल बताया था, देखिए ये मैंने भी पर कंप्लीट किया है, आपको भी ऐसे ही लिखना था, 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम। क्या लिखना था? क से लेके यहाँ तक का। उसके बाद अब हम आते हैं एक नए व्यंजन पर। कौन से व्यंजन पर? नए व्यंजन पर। कल मैंने आपको एक नया व्यंजन बताया था पेज नंबर 14 पर, वो क्या था? ट। कौन सा व्यंजन था? ट। तो हमने आपको कुछ चित्र भी बताए थे, जैसे टमाटर, जो कि सारे बच्चों ने खाया भी है, अपने घर में भी देखा है, ऐसा कोई बच्चा नहीं है जिसने टमाटर नहीं देखा होगा। टोकरी, बास्केट भी बोलते हैं, है ना, टोकरी भी सारे बच्चों ने अपने घर में देखी है ना। टोकरी, टब, टब भी सारे बच्चों ने देखा है, टॉफ़ी तो बच्चे खाते हैं, तो ये तो मैं बोल ही नहीं सकती आपने देखी है या देखी है, आपने वो तो खाई भी है। और टोपी बच्चे लगाते भी हैं, है ना, लगाते हैं ना आप लोग टोपी। चलिए तो आज हम सिर्फ ट व्यंजन आपको बनाना बताएंगे, आपको आज बनाना नहीं है, सिर्फ मैम आपको बताएंगी कि ट व्यंजन हम कैसे बनाते हैं। स्टार्ट करें ट व्यंजन। देखिए ये आपकी पहले ये वाली लाइन आएगी, इसको हम क्या बोलते हैं? स्टैंडिंग लाइन, सीधी खड़ी रेखा, है ना। इसको जैसे हमने ये डासे डलिया बनाया है, इसको हमने छोटी ई की तरह बनाया है, वैसे हमें सिर्फ इसे ऐसे बनाना है,
इसमें आपको कुछ नहीं करना है, एक सीधी लाइन खींचनी है और ये हाफ सर्कल जैसा घुमाते हुए बनाना है। पहले आपको हम ट्रेसिंग पार्ट बताएंगे, ये डॉट्स हैं, फिर आपको ये आपका क्या बन गया टब। पहले आपको ये सीधी लाइन खींचनी है और इसी लाइन का जो कॉर्नर है जहाँ ये लाइन ख़त्म हुई है, यहाँ से आपको ये धीरे धीरे बनाना है। अभी मैम ने पहले की तरह, जब भी आपको मैम जो भी व्यंजन शुरू कराती हैं नया व्यंजन, तब आपको बड़ा ही बनाकर बताती हैं, आपको कभी नहीं बोलती हैं कि आपको अभी लिखना है पतली लाइन में या मोटी लाइन में, अभी आपको लिखना नहीं है, आपको सिर्फ मैं ये बता रही हूँ ऐसे हम ट व्यंजन बनाते हैं। फिर से हम प्रैक्टिस करेंगे ट व्यंजन की, ओके। चलो फिर से हम बनाएंगे, अभी मैंने आपको बड़ा बना के बताया था, अब मैं इस लाइन में बना के बताऊंगी। एक छोटी सी हम पहले स्टैंडिंग लाइन खींचेंगे और इसे घुमाते हुए ट बना देंगे। बहुत सरल है, आप आसानी से बना लोगे। आपको एक बार मैंने पेंसिल रखकर बनाना है, आपको पहले ऐसी लाइन खींचनी है, हाथ हटाना है और फिर यूँ घुमाते हुए इसको रोक देना है ऐसे और ऐसे। आपको अभी नोटबुक में नहीं बनाना है, बार बार मैं यही बोल रही हूँ, आपको सिर्फ देखना है कि मैम कैसे बना रही हैं। देखिए बनाने में मैं वन टाइम में ऐसे बना सकती हूँ, लेकिन नहीं, मुझे अपने बच्चों को सिखाना है तो मैं भी टू टाइम में बनाऊँगी टर्म, ओके। पहले मैंने एक स्टैंडिंग लाइन खींची और पैर अपना हाथ हटा लिया, फिर जहाँ ये लाइन ख़त्म हुई है वहाँ पर अपनी पेंसिल रखी और ये टर्म बना दी, ओके। आपको भी ऐसे ही बनाना है, ये देखिए मैम भी एक बार में नहीं बना रही है, दो बार में ट बना रही है, ओके। आपको भी ऐसे ही तरीके से बनाना है। यदि आपके पास ट्रेसिंग वाली बुक है जिसमें ये डॉट्स दी होती हैं, यदि ये वाली बुक है तो आपको सबसे पहले इसमें ही ट्रेसिंग करनी है। आपके पास ये ट्रेसिंग वाली बुक है अक्षर लेखन, यदि है तो आपको इस वाली बुक में ये ट का जो ट्रेसिंग पार्ट है वो आपको प्रैक्टिस वर्क में, मैं बोल रही हूँ करना है, वो आपको प्रैक्टिस करने से आ जाएगा और आप इजीली ट व्यंजन अपनी नोटबुक में बना पाएंगे। लेकिन मैं अभी भी यही बोल रही हूँ, यदि आपकी नोटबुक में ये वाला ट्रेसिंग पार्ट है, ट्रेसिंग पार्ट में क्या होता है आप हालांकि जानते हैं, फिर भी मैं एक बार बता दूं, ये जो डॉट डॉट बनी है आपको इस पर ऐसे पेंसिल घुमाना है। आप ऐसे पेंसिल घुमाएंगे तो आपको वन टाइम में ही ट बनाना आ जाएगा, ओके। तो आपको ये ट्रेसिंग पार्ट यदि आपकी बुक में है तो आपको ये बनाना है, प्रैक्टिस करनी है, उसके बाद मैं आपको आपकी नोटबुक में बनाना बताऊंगी। चलिए आज हम कुछ चित्र भी बनाएंगे अपनी नोटबुक में, आपको नहीं बनाने हैं, मैम आपको बनाकर बताएंगी कि ट व्यंजन के कौन कौन से चित्र होते हैं। ये देखिए मैम ने कितना बड़ा ट व्यंजन बना दिया है, ओके। अब हम बनाएंगे ये क्या बन गया टमाटर, क्या बन गया टमाटर, ये ट से टमाटर, ट से टमाटर, क्या बन गया ट से टमाटर, ये क्या है टब, ट से टब, ट से टमाटर। अब
टोपी भी बनाते हैं मैम, कोशिश करेंगे टोपी बनाने की। टोपी कैसे बनाते हैं? है ना, टोपी। ये क्या है? टासे टोपी। क्या है ये? टासे टोपी। फिर हमें बनानी है टोकरी। क्या बनाना है हमें? टोकरी। टोकरी कैसे बनाएंगे? ये आपकी क्या बन गई? टासे टोकरी। ओके, टासे टमाटर, टासे टब, टासे टोपी, टासे टोकरी। टोकरी, टमाटर, टोपी, टब, ये क्या है? चारों चित्र हैं आपके टमाटर के। ये हो गया आपका टमाटर, ये हो गई आपकी टोपी, टब और टोकरी। हो गई टोकरी, टासे टोकरी। यहाँ पर भी कौन सा व्यंजन पहले आ गया, कौन सा अक्षर आ गया, ये शब्द पूरा करने के लिए हमें पहले ट व्यंजन लिखना है। टासे टोकरी, टासे टमाटर, यहाँ भी देखो टा है, टासे टमाटर, टोपी और टब। ये जो चित्र हैं ये क्या है? ये ट व्यंजन के चित्र हैं। ओके, टमाटर, टोकरी, टब, टोपी। टमाटर, टोकरी, टब, टोपी। आप भी बोलिए, टमाटर, टासे टमाटर, टासे टोकरी, टासे टब, टासे टोपी। ये चारों जो चित्र मैंने बनाए हैं ये बनाए हैं ट व्यंजन के। किसके बनाए हैं? ट व्यंजन के। तो आज आपको मैम ने ट व्यंजन बनाना बताया है। यदि आपके पास अक्षर लेखन बुक है तो आप ये जो ट्रेसिंग पार्ट दिया हुआ है इसे बनाएंगे। ओके, इसे कंप्लीट करेंगे। यदि आपका ये ट्रेसिंग पार्ट अक्षर लेखन बुक में है तो आपको ये वाला ट्रेसिंग पार्ट पहले कंप्लीट करना है, उसी के बाद हम आपको ट व्यंजन बनाना सिखाएंगे। तो आज आपको क्या प्रयास करना है? ट व्यंजन के चित्र की पहचान करनी है कि ट व्यंजन के जो चित्र हैं वो कौन कौन से हैं। बुक में भी है और मैंने भी ये बना के दिखाए हैं। आपके पास अक्षर लेखन बुक है, यदि है बुक सेट में, तो आपको ये ट टमाटर वाला ट्रेसिंग पार्ट है वो आपको कंप्लीट